हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए चावल का नाश्ता। तो यहाँ मैंने एक कटोरी चावल लिया है और यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ सारे सब्जियाँ लिया है। मैंने छोटे टुकड़ों में फूलगोभी को काट लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने गाजर और शिमला मिर्च को काट लिया है और यहाँ मैंने प्याज को लंबे टुकड़ों में काटा है। अगर आपके पास जो भी सब्जी हो आप इस रेसिपी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी लिया है, अब मैं चावल को इसमें डाल देती हूँ। आधा कटोरी मैंने यहाँ सूजी लिया है और इसे भी मैं डाल देती हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और इसे मैं पीस लेती हूँ। यहाँ मैंने पीस लिया है। बिल्कुल मैंने पेस्ट को महीन पीसा है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ मीठा सोडा डाला है और इसे मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। 2-3 मिनट के लिए इसे मैं ढक्कन से ढक देती हूँ ताकि ये फूल जाए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। दो चम्मच मैंने यहाँ तेल डाला है, आधा चम्मच मैंने यहाँ जीरा डाला है और बारी बारी से मैं सारी सब्जी को डाल देती हूँ। अगर आप इस तरह से नाश्ता बनाते हैं तो खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो मैंने यहाँ सारे सब्जी को डाल लिया है और अच्छे से मैंने इसे मिला लिया है। तीन मिनट के लिए मैंने इसे ढक्कन से ढक दिया है और मैं फिर से इसे मिला लेती हूँ। आधा चम्मच मैंने यहाँ हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने यहाँ लाल मिर्च का पाउडर डाला, थोड़ा सा मैंने यहाँ जीरा पाउडर डाला, स्वाद अनुसार मैंने यहाँ नमक डाला और सबको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। दो मिनट के लिए मैं इसे पकने देती हूँ। तो 2 मिनट हो गया है, अब मैं फिर से इसे मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा सब्जी ये जब पक गया है तब तो मैं इसे दूसरे तरफ रख लेती हूँ। पैन को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। यहाँ मेरा हमारा बैटर भी फूल गया है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और अच्छे से हम इसे फेंट लेते हैं। तो यहाँ पर पैन हमारा गर्म हो गया है। एक चम्मच मैंने यहाँ तेल डाला है और एक चम्मच मैंने यहाँ बैटर को डाला है और चम्मच इस तरह फैला ले। पका हुआ मैं इस पर सब्जी रखे और इस तरह से चम्मच से इसे दाब दे, ऊपर से आप फिर से बैटर को फैला दे। 2-3 मिनट के लिए मैं ढक्कन से इसे ढक देती हूँ। अब ऊपर से ये पक गया है, अब मैं इसे दूसरी तरफ पलट लेती हूँ और दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से पकने देती हूँ। तो दोनों तरफ ये पक गया है तब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये सब्जी से पूरा भरा हुआ है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक बार आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।